दोस्तों, सलमान भाईजान हमेशा एक माचो मैन के अंदाज से देखे गए हैं, लेकिन वांटेड में सलमान खान के लिए एक अलग पक्ष देखा। वांटेड सिर्फ एक झलक थी जिसका पालन करना था। 2010 में खान ने एक पुलिस वाला फिर से खेला, एक अधिक स्वैगर, हास्य और बहुत अधिक मनोरंजक। चुलबुल पांडे के रूप में सलमान को एक ऐसा चरित्र मिला जो प्रतिष्ठित हो सकता था, और इसलिए इसने अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म दबंग एक ब्लॉकबस्टर बन गई। आइए आज के वीडियो में फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प चीजें जानते हैं। अभिनव कश्यप भाई और प्रशंसित फिल्म निर्माता अनुराग के नक्श कदम पर चलने के इच्छुक थे, तो दबंग एक अंधेरी फिल्म थी जिसमें कोई गीत या हास्य नहीं था। वो इस फिल्म की भूमिका के लिए रणदीप हुड्डा को सोच रहे थे। जब अभिनव ने सलमान के भाई अरबाज से फिल्म का निर्माण करने के लिए संपर्क किया तो अरबाज को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने बजट को बढ़ा दिया। सलमान के आने पर जिन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव किया, गाने पेश किए और खुद के पंच लाइन्स भी जोड़े, आश्चर्य है कि सलमान के बिना ये फिल्म क्या ही होती। दबंग से पहले तक सलमान ने बड़े पर्दे पर मूंछ नहीं रखी थी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सलमान थोड़ा हिचकिचा रहे थे, और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लगभग 50 शैलियों की कोशिश की। एक दिन उसने 3 अलग अलग मूंछों की कोशिश की और उन्हें अलग कर दिया। आखिरकार उन्होंने एक चौथी कोशिश की और सोनाक्षी सिन्हा से पूछा कि क्या वह अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरह दिखते हैं। जब उसने हाँ कहा तो मूछे क्लिक हो गई और इस तरह फिल्मांकन शुरू हुआ। सलमान ने ना केवल स्क्रिप्ट में बदलाव किया बल्कि अपने खुद के एक वन लाइनर्स को भी पेश किया। अरबाज ने यह खुलासा हाल ही में करण जौहर के टेलीविजन शो कॉफी विद करण का किया कि सलमान एक एक लाइनर्स के साथ आए थे जिसमें हम तुम पर इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। कमाल कर दिया पांडे जी, ये भी उन्हीं की रचना थी। तो इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सलमान खान का अवतार किस फिल्म में ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये थे कुछ दिलचस्प बातें दबंग इस फिल्म के बारे में। ऐसी ही और मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे चटपटी चीज आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।